नमस्कार, मैं यानी विनय धीमान, प्रदेश मीडिया प्रभारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। समस्त हरियाणा वासियों को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। रेलवे इंजीनियरिंग टीम ने भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया कीर्तिमान बाबरपुर के पास उस समय बनाया जब 100 साल पुराने लोहे के एक ट्रैक बेस को बदलकर सीमेंट का ट्रैक बेस स्थापित किया गया। इंजीनियर आरडी कल्याण के नेतृत्व में कार्यरत रेलवे इंजीनियरिंग टीम ने 30-30 फुट के 5 खानों को मात्र 6 घंटे में स्थापित कर एक नया कीर्तिमान भारत के रेलवे विभाग में कायम किया है। गौरतलब है कि ये रेलवे पुल अपनी मियाद पूरी कर चुका था। नहर के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाला ये कठिन ऑपरेशन था, जिसे बड़े कुशल ढंग से अंजाम दिया गया। इस अवसर पर भारतीय रेलवे में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कल्याण ने अपनी टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अब इस ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का सपना पूरा होने जा रहा है। ये जी 100 साल से ज्यादा पुराना है। इसकी म्याद खत्म हो गई थी क्या? म्याद भी खत्म हो गई थी और इससे स्पीड बढ़ाने का जो हमारा प्रपोजल था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ये कंक्रीट के स्लीपर डलने के बाद में, कंक्रीट के स्लैब डलने के बाद में इस पे जो स्पीड हमारी आगे आने वाली 160 की वो हम अचीव कर पाएंगे। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।